उनका संग्रहण, उनके रीति रिवाज, उनके वाद्य यंत्र, उनके संगीत, उनके नृत्य को सहजने के लिए। पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर कि इतने हमारे पूर्वजों का अनमोल जो धरोहर है, तरह तरह के वाद्य यंत्र ऐसे ही अभी वहाँ जाने से आज की जो युवा पीढ़ी उसे बिल्कुल अनभिज्ञ है। आप किसी भी चीज को कितनी अच्छी तरह सहेज के रखते हैं यह इस बात का सबूत है कि आप उन चीजों से कितना प्यार करते हैं। आज विश्व संग्रहालय दिवस है और इस दिन अगर हम हमारे शहर के रिखी छत्री जी को याद ना करें तो फिर कोई बात ही नहीं। फिर रिखी छत्री जी का नाम पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में प्रसिद्ध है सिर्फ इसलिए कि वो लोक वाद्य यंत्रों को सहेज कर रखे हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उनके इस खजाने में पूरे 185 वाद्य यंत्र हैं जो छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों के आदिवासी अंचलों से यहाँ से सहेज कर उन्होंने संग्रह किए हुए हैं। और ये कड़ी मेहनत केवल कुछ सालों की नहीं बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और यह शौक कहे या एक जुनून, उन्होंने इतने जो 185 तरह के वाद्य यंत्र हैं वो केवल न केवल संग्रह किया है बल्कि उन्हें बजाने का तरीका भी सीखा, उन्हें बनाने का भी तरीका सीखा ताकि ये कभी विलुप्त ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इन वाद्य यंत्रों के बारे में, इनके इतिहास के बारे में जानते रहे। रिखी जी साथ में, रिखी जी आज विश्व संग्रह दिवस की आपको बहुत सारी बधाई। और कैसे शौक आपको आया कि वाद्य यंत्रों का संग्रह होना चाहिए? पिताजी मेरे यहाँ संगीतकार थे, प्रारंभ से बिल्कुल जब मैं जन्म लिया तो मुझे, जब मैं होश संभाला तो मुझे वाद्य यंत्र दिखे, वहाँ से इनके प्रति रुझान बढ़ती गई। थोड़ा बड़ा हुआ, पिताजी अपने भजन मंडियों में लेके जाते थे, फिर धीरे से और बड़ा हुआ तो मैं खुद स्वयं बजाना लग गया। उसके बाद शादी ब्याह की पार्टी में बाजा बजाने लगा। इसी अलग अलग तरीके से जो पार्टी जो होती है, उपयोग होती है, उनमें सारी चीज़ को मैंने बजाने लगा। और इस तरह हमारी संस्था थी एक लोक मंजरी, उनके लिए केंद्र सरकार से एक प्रोजेक्ट मिला। दुर्ग जिले के जितने भी आदिवासी हैं, चार ब्लॉक होते थे, डोंडी, डोंडी, लोहरा, दुर्ग, गुरूर और बालोद, इनका संग्रहण, उनके रीति रिवाज, उनके वाद्य यंत्र, उनके संगीत, उनके नृत्य को सहजने के लिए। तो उसमें मुझे संगीत का एक्सपर्ट बनाया। उस समय मैंने देखा कि इन चारों ब्लॉकों में तरह तरह के गीत संगीत वाद्य यंत्र, तो उस समय तो कर लिए। उनके बाद फिर वहीं से मुझे और जिज्ञासा हुई कि मैं इनको अलग से करूं। वहां से 89 से मुझे फिर मैंने प्रारंभ किया पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर कि इतने हमारे पूर्वजों का अनमोल जो धरोहर है, तरह तरह के वाद्य यंत्र, कहीं शिकार करने के लिए, शिकार से बचने के लिए, रखवाली करने के लिए, ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र को मैंने इन 43 वर्षों में खोज निकाला। अभी तक 185 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं और अभी भी जारी है। अभी और 3 और वाद्य यंत्र हो चुका है लेकिन मैंने उनको अभी बजाना नहीं सीखा है, वो भी बहुत ही अद्भुत वाद्य यंत्र है। जिस तरीके से आपने बताया कि 185 तरह के वाद्य यंत्र आपके संग्रहालय में मौजूद हैं, सबसे पुराना 700-800 साल पुराना कौन संग्रहालय में कौन सा आपको वाद्य यंत्र है जो सबसे प्राचीन हो, आदिम आदिवासी संस्कृति से एकदम जुड़ा हो लेकिन आज खुद आदिवासी संस्कृति के लोग ही उसे नहीं जानते हो, विलुप्त हो गया हो? हाँ, एक तो धनकुल है, एक कुतुर्गी है और ऐसी कुंडोड़का है। ऐसे ही अभी वहाँ जाने से आज की जो युवा पीढ़ी उसे बिल्कुल अनभिज्ञ है। अभी आपको बता दूँ, बारसूर के पास एक बनवासी आश्रम है, वहाँ के 70 बच्चे यहाँ पर विजिट में आए थे। वो उन अपने पूर्वजों के बाजा को देखने के लिए यहाँ 500 किलोमीटर दूर मेरे पास आए थे। इसी से साबित आप हो जाता है कि आज के जो युवा पीढ़ी है बिल्कुल उनसे अनभिज्ञ है, उनको अपनाना नहीं चाहते, उनको देखना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें मेहनत है। मेहनत की बात कही आपने, संग्रह करना आसान नहीं होता, कभी पैसे भी लगते हैं, कभी लोग तैयार नहीं होते हैं जिनके पास ये वाद्य यंत्र रखा होता है। तो वाद्य यंत्र को लेकर के आदिवासी की जो सोच है या हमारे यहाँ के वनांचल के लोगों की सोच कैसी है वाद्य यंत्र को लेकर?
आज भी वनांचल लोगों को मतलब इस मेहनत ज्यादा है, आज बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाह रहा है। जो उनके पूर्वज ने जो तैयार कर दिए उन्हीं को रखे हैं, आज वो खुद ने बनाना नहीं चाहते ना बजाना नहीं चाहते। वो इसलिए कि आज टीने टप्पर से जो धुमाल जो बसते हैं बहुत सस्ते होते हैं और 2-4 दिन में सीख जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ मेहनत करना नहीं चाहता, जल्दी में सारी चीज मिल जाए, इसी को पकड़ के उन जंगलों में आप जाएंगे तो आज भी उनके वाद्य यंत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से यह रखा हुआ है बहुत पुराना वाद्य यंत्र है, इस तरीके इसमें क्या क्या खासियत होती है और आपके दिल के करीब कौन सा वाद्य यंत्र है? मेरे दिल के करीब हमारे यहाँ वाद्यों का राजा कहते हैं मांदर। मांदर में वो गमक होती है कि अगर बजेगा ना तो जो नृत्य करने वाला नहीं है उनके भी पैरों में थिरकन हो जाती है। मांदर से बहुत प्रेम है मुझे और उनको बजा के नृत्य भी करता हूँ, बहुत आनंद आता है मुझे। मांदर और हमारे यहाँ का वाद्यों का राजा कहलाता है और उनके बिना परंपरागत जो पारंपरिक गीत है वो अधूरा होता है। जिस तरीके से कई पीएचडी स्टूडेंट्स भी आपके यहाँ पे आते हैं, कई रिसर्च वाले भी लोग आते हैं वाद्य यंत्रों को लेकर के, तो क्या ये जो आपके पास जो ये संग्रहालय है आने वाली पीढ़ी को आगे किसकी विरासत को कैसे सौंपेंगे और किस तरीके से नई पीढ़ी को आप तैयार कर रहे हैं? नई पीढ़ी तैयार हो रहा है, घर में भी है, हमारी बेटियां भी पेंटिंग में पीएचडी की हुई है, उनसे पूरा लगाव है। घर में मिसेज पूरा हमारी जो पत्नी है उनको पूरा एक एक चीज जितना मुझे मालूम है उनको भी पूरा मालूम है, बच्चे को भी पूरा मालूम है। और ये इसलिए हुआ उनके सहयोग के बिना तो अधूरा था, जब क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ तो उनके उनके सहयोग से ये हो पाया है, इसलिए वो सारे चीज़ों को उन लोग भी जानते हैं और मैं रहूं या ना रहूं बखूबी से ये संरक्षित रहेगा। आप राजपथ पे भी 2 बार छत्तीसगढ़ की झांकी वाद्य यंत्रों के साथ लेकर गए हैं, 2 प्रधानमंत्री से रूबरू हुए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी आपके वाद्य यंत्रों को देखा सुना वहाँ पे? बिल्कुल, मैं भेंट किया हूँ उनको, वाद्य यंत्र भेंट किया हूँ नरेंद्र मोदी जी को और मनमोहन सिंह जी को। 2008 और 2021 में मेरे वाद्य यंत्रों का वहाँ पर राजपथ में झांकी प्रदर्शित हुआ है छत्तीसगढ़ शासन के लिए के तरफ से। वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी होती है कि इन वाद्य यंत्रों को पूरा पूरा विश्व ने देखा झांकी के माध्यम से, क्योंकि 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है वो पूरा विश्व में टेलीकास्ट होता है। ये बहुत बड़ी हमारे गर्व की बात है। तो बिल्कुल संग्रहालय आसान नहीं होता है बनाना और संग्रह करना सबसे कठिन काम है, लेकिन रिखी छत्ती जी ने जो लोक वाद्य यंत्रों को संग्रहित करके हमारे छत्तीसगढ़ को नई पहचान पूरे विश्व में दी है वो बिल्कुल सराहनीय, और अच्छी बात यह है कि वो ये चीजों को अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखा रहे ताकि विरासत हमेशा सहेजी जा सके। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।